नमस्कार दोस्तों, ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। दावा करते हुए कहा गया कि ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है, इसमें बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बता दे, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक के बाद एक पार्टियां खुलकर सामने आ रही हैं। कहीं तो ईवीएम के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं लोग चुनाव में ईवीएम मशीन हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर एक महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी एक महीने होती है। ऐसे में यदि अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए यह बयान दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर बड़ा दावा कर दिया गया है। यह दावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीएसपी की मुखिया मायावती ने कर दिया है। बता दे, अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन और ईवीएम समेत तमाम मुद्दों पर कई बातें कही। इसी दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा दावा कर दिया। मायावती ने दावा किया कि ईवीएम के विरोध में काफी आवाज उठने लगी है, ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है। मायावती का कहना है कि या फिर इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था। पिछले जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ईवीएम को लेकर सवाल उठाया और मत पत्रों से चुनाव कराने की भी मांग की थी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम के जरिए चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त है और उन्हें खत्म करने के लिए बेहतर यही होगा कि अब यहाँ आगे छोटे बड़े सभी चुनाव पहले की तरह मत पत्रों से ही कराए जाएं। हालांकि एक तरफ जहां ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है, कई जगहों पर डेमो स्टेशन बनाकर लोगों को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर विरोध भी लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम का विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए पदाधिकारियों ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से ईवीएम से वोटिंग ना कराने की भी मांग की। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम बीजेपी की दिव्य शक्ति, जितना बोलती है उतनी सीट आती है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी राज्यों में तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के सीनियर नेता ने क्षेत्रों का दौरा करना, बैठक लेना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी रीवा शहर पहुंचे थे। यहां मीडिया से वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर फिर हमला बोला। दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी तक के लोग ये मान रहे थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी सीटें आई, ईवीएम मशीन उनकी दिव्य शक्ति है, इसलिए बीजेपी वाले जितनी सीटें बोलते हैं उससे ज्यादा सीटें उनकी आती हैं। उन्होंने कहा कि
ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिग्विजय सिंह ने सभी सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि सारे सर्वे यह दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाजपा तक के लोग यह मान रहे थे कि इस बार सरकार नहीं बन रही है। वोटिंग के बाद उनके चेहरे उतरे हुए थे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनको तो 163 सीटें तो कभी भी नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश में एक कैसे हो गया, एक पूरा मशीन का खेल है। उन्होंने दावा करते हुए कि हमने कई लोग से बात की जिससे यह माना जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराओ। अगर आपको ईवीएम मशीन से इतना ही प्रेम है तो इतना करो कि जो स्लिप डब्बे में गिरती है वो हमारे हाथ में दे दो। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो जो पर्ची हमें हाथ में मिलेगी हम उसे खुद से बॉक्स में डाल देंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हर नागरिक यह चाहता है कि जिसे उसने वोट दिया वो वोट वहाँ गिरे। अगर जनता यह मांग करती है कि ईवीएम मशीन से मतदान न हो तो सारी राजनीतिक दल उस पर विचार करेंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि ईवीएम पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद से ही दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और सीधे सीधे कह दिया है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पर हमें पूरा भरोसा है। आयोग के मुताबिक ईवीएम का उपयोग करके कराए गए चुनाव के नतीजों, कानूनी ढांचे, स्थापित न्याय शास्त्र, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक रक्षा उपायों के आधार पर है। आयोग को चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर पूरा भरोसा है। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार FLC स्टोरेज, परिवहन, प्रशिक्षण, मॉक पोल, मतदान शुरू होने, मतदान बंद होने और गिनती से लेकर ईवीएम के प्रबंधन के हर चरण में जुड़े होते हैं। आयोग ने कहा कि ईवीएम के सभी पहलू जैसे नॉन टेम्परिंग, नॉन हैकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, शुरू से अंत तक सत्यापन, कानूनी प्रावधान, गिनती, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण और स्रोत कोड को शामिल करने वाले मुद्दों का पहले ही समाधान किया जा चुका है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द होगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान कब हो सकता है, कब आचार संहिता लग सकती है? बता दें जिस तरह से लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के तारीखों को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। बता दें पूरे देश में मतदाता सूची का काम अंतिम दौर में है और 8 फरवरी तक मतदाता सूची का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, यानी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। बता दें मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में 29 में से भाजपा के पास 28 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब चुनाव किस माह में होंगे और आचार संहिता कब लगेगी, इसे जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। बता दें पिछले चुनाव की तारीखों को देखा जाए तो 2014 और 2019 में आम चुनाव अप्रैल से लेकर मई तक विभिन्न चरणों में हुए थे और मई अंत में केंद्र की सरकार बन गई थी। चुनाव आयोग भी इसी तैयारी में है, चुनाव अप्रैल और मई माह में करा लिए जाए। चुनाव आयोग स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा का भी अवलोकन कर रहा है। चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग से परीक्षाओं की डिटेल्स भी मांगी है जिससे परीक्षार्थियों पर और परीक्षाओं पर चुनाव का असर न पड़े। सूत्रों के मुताबिक फरवरी अंत तक लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च में ही हुई थी। तब देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। अब माना जा रहा है कि इस बार जल्दी घोषणा हो सकती है। बता दें इस बार होली 25 तारीख को है। ऐसे में त्योहार, स्कूल कॉलेज के बच्चों की परीक्षाएं, किसानों की स्थिति, अफसरों के तबादले, सरकारी अवकाश को देखते हुए चुनाव का ऐलान संभव हो सकता है। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर के कार्यक्रम भी पूरे हो जाएंगे। इस सभी गतिविधियों को ध्यान में रखकर फरवरी अंत तक या मार्च के शुरुआत तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है।